हेलो गाइस, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आ चुके हैं एक और रैंप चैलेंज लेकर जो है बाइकों के साथ। और भाई ये वही रैंप चैलेंज जो हमने पिछली बार किया था, जो हमारे साथ हुआ था कार, मतलब हमने किया था कारों के साथ। एक रेंज रोवर कार थी और एक बुगाटी सुपर कार वर्सेस एसयूवी। तो गाइस आज हम बाइकों के साथ करने वाले हैं और देखते हैं कौन सी बाइक इसको पार करके दोबारा यहाँ पर मेन लोकेशन पर आ पाती है और वही विनर होगी। और देखते हैं कौन सी गाड़ी यहाँ पर आ पाती है। सबसे पहले हम कौन सी ट्राई करें, चलो लास्ट वाली से सबसे पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर देखो हमारे पास KTM भी है, चलो KTM से ही ट्राई करते हैं। लास्ट वाली को छोड़ो, इनमें से एक बाइक को मैं यूज़ में नहीं लेने वाला। भाई मैंने चार बाइकें मंगाई थी और वो पांच बाइकें इंपोर्ट कर गए। यहाँ पर मुझे चार बाइकें चाहिए, तो हम चार बाइकों से बुक करेंगे। और यहाँ पर हमने पहली KTM ली। और भाई साहब इसमें कुछ रूल हैं, आपको बता दूँ मैं, मुझे बाइक पे से यहाँ से गिरना नहीं है, गिर गए तो मैच के बाहर। और दूसरी बात भाई साहब, रैंप पे से नीचे नहीं गिरना, अगर नीचे गिर गए तो भी गेम के बाहर। तो गाइस हमारे यहाँ पर देखते हैं कौन सी बाइक विनर होती है। यहाँ पर सबसे मैंने KTM ली है। KTM का पिकअप काफ़ी सही है, मुझे काफ़ी सही लगा KTM का पिकअप, चलाने में भी ठीक ठाक लगती है। मुझे लगता है ये शायद पार कर पाएगी, पर यार यहाँ पर ऊंची नीचे जगह है ना, इस पर बस दिक्कत आती है, गिर नहीं जाए बाइक, इसकी टेंशन होती है और कुछ की टेंशन नहीं है। और थोड़ी ऊंची ऊंची जगहों की है, यहाँ से हम सेफली चल चुके हैं। और यहाँ पर वही टायर हैं, आप देख सकते हो पहले वाले वही रैंप है, बिल्कुल मैंने ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। बस मैंने आपसे बोला था बाइकों के साथ भी रैंप चैलेंज लेकर आऊँगा, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर वार्निंग लगी है, आप देख सकते हो। पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रही है, उसको देख लो, वो भी बहुत ही मस्त वीडियो है, उसको भी जाकर देख लो। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं सेफली, यहाँ पर जंप कराना है हमको बाइक को। ओ भाई अब केड़ी, ओ बच गई, अबे यार शिट, ये क्या सीन हुआ, देखो डीप्ले में देखो यार, भाई पता ही नहीं यार लिटरली यानी क्या सीन हो रहा है। और यहाँ पर हमारी KTM, मैंने कुछ ज़्यादा ही रेस दे दी, तो यहाँ पर KTM हमारी रिमूव हो चुकी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। और हमारी नेक्स्ट बाइक है, इसका नाम क्या है भाई, ये पता नहीं नाम क्या है, हायाबूसा सी लगती है मुझे, आपको कौन सी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एकदम हायाबूसा की कॉपी लगती है ये बाइक, बस इसमें टायर थोड़ा पीछे है। मुझे लगता है ये वाली गाड़ी तो 100% मुझे जिता कर ही रहेगी। और यहाँ पर ऊपर देखो एरोप्लेन जा रहा है, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। ओ भाई अरे अरे भाई बच गया यार, अभी ठुक जाता नीचे गिर जाता, डायरेक्ट सीधा नीचे ही जाता। और यहाँ पर पहली बार में मेरा काम तमाम हो जाता। भाई अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो भाई कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे बताओ। आई थिंक चलो KTM लिख देना, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है ना तो आप कमेंट बॉक्स में KTM लिख देना, मैं मतलब समझ जाऊँगा इस बंदे ने पूरी वीडियो देखी है मेरी। तो यहाँ से चलते हैं सेफली। यार इस गाड़ी का भी पिकअप काफ़ी सही है, मतलब गिरती नहीं है भाई, ये उछल जाती है भाई, बंदे को गिरनी नहीं देती, मतलब थोड़ी भारी कार है ये, सॉरी बाइक है ये, क्या बोल रहा मुझे खुद नहीं पता। यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर ऊपर वाला रैंप है, आप देख सकते हो यहीं पर, आपको पता होगा थोड़ी देर पहले मैं इस KTM को लेकर आया था, यहाँ पर इधर की साइड भी वही गई थी। अबे ओ क्यों हिला डाला ना, ओ भाई साहब ये क्या सीन है, अबे भाई भाई वैसे ही हो गया, मैंने कुछ नहीं करा, ये ऑटोमेटिक ही हो रहा है। अरे यार मुझे खुद नहीं पता यार, मैंने इतना भयंकर जंप कैसे लगा दिया यार, क्या मस्त जंप लगाया था मैंने भाई। अभी इधर की साइड अगर थोड़ा नीचे होता ना, मैं सीधा नीचे चले जाता, ये क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। बाबे यार पहली बात तो देखो गाड़ी दुबा एक धुआं देगा यार, बहुत भयंकर, देखो इसमें से धुआं निकल रहा है, अभी चल क्यों नहीं रही यार, अरे क्या हो गया। ओ भाई एरोप्लेन, ओ देखो यार एरोप्लेन जा रहा है साइड में, देखो मैं भी दिखा रहा हूँ किधर गया, वो देखो भैया, ओ यार इसके नीचे से एरोप्लेन गया भाई, यार क्या सीन हो रहा है, पता नहीं आज की वीडियो में क्या हो रहा है, पता ही नहीं, खुद ही जा रहे हैं एरोप्लेन में एरोप्लेन। और बाइक हमारी चढ़ चुकी है, मुझे यहाँ से स्लो लेनी पड़ेगी, नहीं पहली बार मैंने चढ़ाई थी ना, आपको पता हो वो कार पड़ाई बुगाटी, वो तो गाइस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए मुझे स्लो लेनी पड़ रही है यहाँ से। मुझे थोड़ा डर लगता है यार, यहाँ पर वो गाड़ी उछल जाती शायद, अगर मैंने फुल रेस में दी ना भाई साहब, बाइक ऊपर से उधर निकल जाती। यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर भैया सांप वाली गली आ चुकी है, और यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। और भाई देखो यार गाड़ी बाइक धुआं का ज़्यादा ही दे रही है आज तो, पता नहीं यार इतनी मतलब मूड, मतलब धांसूसी का गाड़ी बाइक है, और भाई इतना भयंकर धुआं दे रही है, देखो अब भी मुझे लगता है रास्ते में बंद हो जाएगी यार ये, मुझे लग रहा है यहाँ से खुद आते हैं। अबे यार ये क्या, ओ चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, अब भाई ये क्या, अबे यार सेट सेट यार सेट, और ये बाइक भी फेल यार। चलो दूसरी बाइक पर चलते हैं। और हमारी दूसरी बाइक है यहाँ पर, ये लाइटिंग वाली आप देख सकते हो, ये वाली बाइक है, और देखते हैं ये वाली बाइक पूरा कर पाती या नहीं कर पाती ये वाला रैंप चैलेंज। आई थिंक ये वाली कर लेगी। ओह ये क्या भाई, थोड़े से अड़ाव पर अटक गई ये, तो मुझे लग रहा है नहीं कर पाई, क्या आपको लगता है यार ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। भाई ये तो उछल भी रही है, पता नहीं क्या सीन है, यहाँ पर थोड़ा धीरे चलानी होगी बाइक। अरे यार धीरे नहीं चलानी पहली बात तो बाइक, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि धीरे चलानी नहीं है बाइक, और गिरना नहीं है, और रैंप पे से नीचे नहीं उतरना, बाइक से नीचे नहीं उतरना, ये मेरे चैलेंज है, तो मेरे को वो करने हैं, मतलब वो मानने हैं। यहाँ से चलते हैं जल्दी जल्दी,
भाई यार ये वाली बाइक मुझे शानदार लगती है, लाइटिंग जलती है और मतलब मस्त लगती है। आपको पसंद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसी लगती है, मुझे तो एकदम शानदार लगता है। और वैसे गाइस इस गाड़ी का पिकअप भी काफ़ी सही है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है, पर ज़्यादा बेकार नहीं है तो ज़्यादा सही भी नहीं है। चढ़ान पर तो चढ़ जाती है आसानी से, मतलब चपक चपक कर चढ़ती है ऐसा लगता है। और ये हमारी साइड वाली लोकेशन आ चुकी है और यहाँ पर हमें फुल स्पीड में लेकर जानी है। और यहाँ पर यार मुझे लगता है आगे कुछ है, अरे वो यार नीचे ब्रिज था, मुझे आराम आराम से खुदानी होगी गाड़ी नीचे। हाँ अब चलो खुदाता हूँ यहाँ से। जो पहले मैंने बाइक ही खुदा थी भाई सब तो आपको पता होगा, मैंने साइड में गलती से खुदा दी थी तो भाई सब वो बगल की साइड जाकर गिर जाती थी। एक आध एक गिरी थी शायद, नहीं एक भी गिरी नहीं थी, बच गई थी, यहाँ बच गई थी। और यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पर फास्ट स्पीड में लेकर जानी है और वहाँ पर जाकर ब्रेक लगानी जो ऊपर आराम से सेफली चढ़ जाए। ज़्यादा स्पीड में देंगे तो भाई ये पार हो जाएगी, मुझे पता है कि हर बार पार हो जाती है। ये स्लो स्लो करके चलते हैं और यहाँ पर हमारा कट लगा हुआ है, कट पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक बात तो है यार देखो कट आ गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कुछ भाई साहब, एक मतलब 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा बाइक पर। और गाइस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप कि मेरा बनाया हुआ रैंप कैसा लगा भाई, ऐसा ही टूटा मुकड़ा बनाया मुझे पर, तो पर मैंने बहुत मेहनत करी थी बनाने में, मतलब इसको लाइनिंग वाइनिंग देने में दिक्कत आती है बस मतलब लगाने में। और यहाँ से चलो कुदाते हैं, ओ ये भाई जगह, अरे 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 यार ये क्या, ओ ओ ओ भाई देखो, ओ भाई साहब देखो भाई, पहले गाड़ी थी ना वो भाई साहब यहाँ से गिर गई थी, वो उछली नहीं थी। अरे आपने देखा होगा वो हायाबूसा की कॉपी थी, मतलब बैक साइड में पहिया था वो, मतलब ज़्यादा पीछे निकला हुआ था पहिया, इसलिए गिर गई। यार ये तो उछल गई गाड़ी, मैंने सोचा था भी गई गाड़ी भाई, गई मुझे तो ऐसा ही लग रहा था गई। यहाँ प्लेन रोड एकदम सिंपल यहाँ से निकलते हैं, मुझे लगता है 101% मैं इस बाइक से तो पार कर पाऊँगा। अरे यार कर पाऊँगा क्या, वो यार तो थोड़ा सा रह गया है बस। देखो इनके निकलने के बाद सीधा नीचे पहुँच गए और हमने यहाँ पर ये पार कर लिया है, जल्दी जल्दी कुदाता हूँ। और गाइस हमारी आज की विनर है ये वाली बाइक, मतलब एकदम शानदार है। ओह ओ ये क्या है, ओ भाई मर गई भाई, बाइक के नीचे आ गई और गई दोनों। और गाइस अब लास्ट बाइक बची है, देखते हैं ये वाली बाइक पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती। तो चलो इस पर भी बैठते हैं और चलते हैं अपनी राइड पर, हमारे लॉन्गेस्ट बिगेस्ट रैंप की तरफ। और यहाँ से निकलते हैं जल्दी। अबे ये तो यहीं पर रुक गई, वो वाली भी रुकी थी, ये वाली भी रुक गई भाई, दोनों बाइक यहीं पर रुकी थी और उसमें से वो वाली तो पार हो गई, ये वाली पता नहीं क्यों रुक गई। जल्दी जल्दी भगाते हैं यहाँ से और निकलते हैं। और मुझे यार एक पहली बात तो ये गाड़ी मुझे बहुत भयंकर चलानी है, मुझे मतलब इसका पिकअप सही लग रहा है। अरे भाई पिकअप नहीं, इसका बेकार पिकअप ही तो उछल रही है, ठुकने से उछल रही है, इसका ज़्यादा अच्छा पिकअप नहीं है, मुझे लग रहा था बढ़िया पिकअप है। तो चलो यहाँ से मुड़काते हैं, जल्दी जल्दी भगाते हैं बाइक। ओ भाई ओ शिट, ओ यार भाई ये भी गेम ख़त्म। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप पहले बात तो ये देखो भाई, ये देखो भाई डॉल्फिन जा रही है यार, डॉल्फिन तो भाई देखो ये भाग किस तरह आ रही है यार अलग ही। चलो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, देखते हैं अपना रैंप चैलेंज कौन सा आने वाला है। बाय बाय।